दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ सदर बाजार में अशोक फोटो फ्रेम्स पर। गाइस यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो जैसे कि फोटो के जो फ्रेम्स होते हैं गाइस बनते हैं। और गाइस यहाँ पर खास बात यह है कि आप यहाँ पे सिंगल सिंगल पीस भी अगर आप चाहते हो बनवाना, आप सिंगल पीस भी फ्रेम यहाँ से बनवा सकते हो गाइस सीधा मैन्युफैक्चर से। बस देखिए यहाँ पर कटिंग चल रही है, यहाँ पर असेंबलिंग पूरा सैंपल टेपिंग हो रही है, यहाँ पर कटिंग चल रही है। देखिए गाइस इस तरीके से गाइस यहाँ पर काम होता है। तो गाइस अभी मैं आपको भैया से मिलवाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप बिजनेस यहाँ से कर सकते हो। वैसे अगर आप सोच रहे हो अच्छा बिजनेस करने की, आप यहाँ से बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आपको अपने घर के लिए चाहिए, आप घर के लिए भी यहाँ से ले सकते हो। तो वैसे आपको मैं सारी वैरायटीज दिखाता हूँ गाइस आज ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस के दीवानों में आप सभी का स्वागत है। गाइस तो आज की वीडियो बहुत ही मस्त रहने वाली है, इंटरेस्टिंग रहने वाली है। गाइस आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसा बिजनेस देने वाला हूँ गाइस बहुत ही कम लागत में एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। गाइस आज मैं आया हूँ सदर बाजार में एक मैन्युफैक्चरर के पास। गाइस आज मैं आया हूँ अशोक फोटो फ्रेम्स के पास। गाइस यहाँ पर फोटो फ्रेम्स बनते हैं हर तरह के। और गाइस यहाँ पे खास बात ये रहती है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर आप सिंगल पीस भी अपना तैयार करा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप क्वांटिटी बनवाओगे तो आपको रेट बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। आप दोस्तों इसे आगे सप्लाई भी कर सकते हो, मार्केट में अगर सप्लाई करना चाहो आप सप्लाई कर सकते हो, आप होलसेलिंग कर सकते हो, आप रिटेलिंग भी कर सकते हो। 50 पीस लेकर आप आगे रिटेल कर दो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इस बिजनेस के अंदर, चलता भी बहुत है। तो वैसे आपको सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में। दोस्तों बनवाना चाहूंगा आपको शॉप के जो भैया हमारे यहाँ काम करते हैं। भैया कैसे आप? बहुत बढ़िया भैया, मेरा नाम बताइए। जतिन भैया। तो भाई जतिन भैया हमारे संग आ चुके हैं। तो भैया अपने पास क्या बिजनेस है, किस हिसाब से बंदा आपसे बिजनेस कर सकते हैं, क्या लिमिट रहती है, क्या क्या चीजें, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। हमारे पास हर चीज के फ्रेम्स होते हैं, मतलब हर एक वैरायटी साइज। हाँ जी। और उसमें हर तरीके, मतलब एक फैंसी। हाँ जी। स्मॉल साइज से लेके बड़ा साइज तक। अच्छा अच्छा। साइज आपका 3x4 फुट। अच्छा। साइज की ऐसी कोई वो नहीं है। ओके ओके। और उसमें रेंज भी आपको हर एक तरीके की रेंज में मिल जाएगी। अच्छा भैया, तो ऐसे किस तरीके से, मतलब मिनिमम अपना पीस का कोई क्राइटेरिया रहता है कि इतने पीस लेने पड़ेंगे या ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारे पास सिंगल पीस भी है। अच्छा। और उसमें आप चाहे 1000, 2000, 5000 जितने मर्जी आप उसमें क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और जैसे कि हमें एक आइडिया मिल जाता है हमारे व्यूअर्स को, एक रेट का दे देते कितना रेट स्टार्टिंग रेंज रहती है? डिपेंड करता है वो साइज पर। 5x7 बता देना। एक 5x7 का। अच्छा है सर, आप भी आ जाओ एक बार, थोड़ा देख भैया बता देंगे। आपका नेम क्या है सर? मेरा अशोक। अच्छा आप ही अशोक जी, मतलब आपके नाम से फॉर्म है ना। तो सर ये यहाँ के मालिक है, बाकी। हाँ जी। अच्छा अच्छा बेटे आपके, बताइए। तो 5x7 एक हमारा सबसे छोटा जो साइज होता है। हाँ जी। अब उसका जो प्राइस होता है 60 रुपीज है। 60 रुपीज जी। यहाँ से एक स्मॉल साइज जो है, उसके बाद जितना भी साइज बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू द फ्रेम के जो भी क्वालिटी है। ओके। जैसे जैसे फ्रेम्स के उसमें अलग अलग हम मोल्डिंग्स लगाएंगे। ओके। एक छोटी बड़ी, जैसे जैसे फ्रेम्स का हमारा वो बढ़ता रहेगा रेट, उस हिसाब से हमारे ऐड होते रहेंगे। ओके सर, इस तरीके से रहता है अपना। जैसे कि अभी आपने कौन सा पीस रेडी कर रखा है, थोड़ा दिखाइए। जैसे कि ये देखिए गाइस, ये पीस रेडी कर रखा है, देखिए। तो जो अंदर का इसके आइटम है ये आप ही किया जी? ये जो फोटो है ये कस्टमर की होती है, हमारे पास खाली फ्रेम्स होते हैं, हमारे पास फोटोज भी होती हैं। अच्छा। और अगर कस्टमर अगर हमारे पास फोटोज लेके आता है तो उस हिसाब से भी रेडी कर देते हैं। ओके ओके ओके। तो गाइस ये जैसे कि क्वालिटी देखो इसके दिन बेस्ट है, आप फोटो का साइज जो भी होगा भैया आपको बता देंगे, इस फ्रेम में फ्रेम का साइज होता है मतलब, तो उस हिसाब से आप फोटो लेकर आओ, भैया आपको फ्रेम बनाकर दे देंगे। ये कस्टमर हमारे पास जो भी फोटो लेके आएगा वो चाहे कोई सा भी साइज हो, हाँ जी, उसको उस हिसाब से उसको कर देंगे आप, फ्रेम पूरा रेडी करके। सो गाइस देखिए इस तरीके से आप कितना प्यारा फ्रेम दोस्तों बना हुआ है, ये देख सकते हो। और गाइस प्राइसिंग का क्या रहता है, क्वांटिटी का हिसाब होता है, जितनी आप क्वांटिटी ज्यादा लोगे उतना प्राइस आपको कम पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे जो प्राइस मिलेंगे आपको वो बिल्कुल रीजनेबल मिलेंगे। ओके सर। आप अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहें तो आप इजीली मार्केट में। ओके। और गाइस मैं बता दूं, मोस्टली जितने भी सदर बाजार में जो जितने भी चीज के होलसेलिंग करते हैं, मोस्टली यहीं से इनके पास से माल जाता है उनका, वो लोग अपना फोटोज दे जाते हैं और ये माल बनाकर तैयार कर देते हैं। जैसे कि देखो भाई सामने बड़े बड़े इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, तो फ्रेम के साइड में है भैया, कटिंग करके देखो हमारे व्यूअर्स को किस तरह से कटिंग कर रहे थे आप। जैसे ऐसे देखिए भैया करेंगे कटिंग, देखिए। तो ये भैया ने साइज सेट कर रखा है ना भैया जी? अच्छा। ये अभी इसी कस्टमर का जो हमारे पास जो लॉट आ रखा है। हाँ जी। ये अभी 100 पीस का है। अच्छा अच्छा। तो इसने 100 पीस हमें फोटो दे रखी है। अच्छा। जैसे इसको पूरा रेडी करके देना। अभी चार निकल गए जी, तो ये चार से फोटो बन जाएगी? हाँ जी, वैसे 4 साइड होती है। ओके। ये साइज के हिसाब है, जैसे कि देखो इस तरीके से हो गया और इस तरीके से हो गया, है ना? अच्छा अच्छा, इस तरीके से। अच्छा अच्छा, इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए लंबाई बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, वो तो जस्ट एक, ये देखिए। तो कैसे एग्जांपल आपको दिया मैंने, इस तरीके से बन जाएगा। और इनका काम है फोटो को अंदर लगाएंगे, ऊपर कांच भी लगाते हो? बिल्कुल, ग्लास भी लगता है और हमारे पास एक प्लास्टिक की शीट्स भी होती है। अच्छा। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे ग्लास से थोड़ा, जैसे एक होता है कि ब्रेकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। यस यस। जैसे अगर हमने आउट ऑफ दिल्ली या किसी और स्टेट में अगर देना है तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो होता है प्लास्टिक शीट। ओके ओके। उसमें ब्रेकेज की प्रॉब्लम
अच्छा। और गाइस देखिए एक चीज मैं खास बताऊँ आपको, जैसे कोई बंदा अगर आप यहाँ से बिजनेस कर रहे हो, दूसरा की आवाज आती है थोड़ी, तो दोस्तों मान लो दिल्ली से बाहर से हो, आप शॉप पर आना नहीं चाहते या कोई मजबूरी है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, तो आप यहाँ से घर बैठे बैठे भी मंगवा सकते हो और अपना ऑर्डर बनवा सकते हो। बट उसके लिए शर्त ये रहती है कि मान लो आपने इस चीज का, मान लो ये है, आपने इसका 100 पीस या 1000 पीस का ऑर्डर दिया, तो गाइस जो भी मान लो एक ऐसी मैं एग्जांपल रेट दे रहा हूँ, सर दिखा रहे हैं प्लास्टिक वाला जो है। अच्छा गाइस मेरी बात में रुक के बताऊंगा आपको, पहले देखो गाइस प्लास्टिक की आइटम इस तरह से होती है, ये बहुत चलती है गाइस, ये वाली फोटोज जो रहती है ना प्लास्टिक की शीट में बहुत अच्छा बिकती है, और इसके ग्लास में फर्क होता होगा रेट का, है ना जी? बिल्कुल, प्राइस का तो बिल्कुल फर्क मिलेगा। अच्छा ओके भैया, तो जैसे कि गाइस देखिए मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मान लो घर बैठे मंगा रहे हो, बिजनेस कराना चाहते हो अपने खुद का, तो आपको एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी तो दोस्तों, ताकि आपके माल रेडी कर दे। जब आपका माल रेडी दोस्तों हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो आपकी फुल पेमेंट होगी, हाफ जो रह जाएगी वो आप इन्हें कर दीजिए, पूरी पेमेंट है ना भैया, इस तरीके से पूरी पेमेंट होने के बाद आपका माल डिस्पैच कर दिया जाएगा। और 50-60% पे भी हम रेडी कर देते हैं, एडवांस आ जाए उसके बाद हम रेडी करना कर देते हैं, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द पेमेंट बचेगी वो आपको डिलीवरी करना है, आपको वो देना पड़ेगा उसके। और दोस्तों सीओडी अवेलेबल नहीं है, बोलो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती, ओनली होलसेल है, बिजनेस के रिगार्डिंग है। बाकी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का डाल दूंगा और यहाँ का एड्रेस भी डाल दूंगा, ताकि आप इजीली यहाँ से आ सको और बिजनेस कर सको। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मौका दिया वीडियो बनाने का हमें, गाइस थैंक यू, आपने हमारी वीडियो देखी। तो आपको दोस्तों मैं ऐसे छोटे छोटे जो बिजनेस के आइडियाज होते हैं बढ़िया बढ़िया होते हैं, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो गाइस मैं आपको देता रहूंगा, तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए वीडियो को और दबा के और एंजॉय करिए लाइफ को। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस इफ यू डोंट नो नाउ यू नो, काम करो और नाम करो, वन लाइफ।